जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। कांग्रेस जिला व्यापार प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ यूथुब जैन पिंकी के तत्वाधान में झांसी की प्रथम महिला ऑटो चालक का रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति और पौधा भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य एवं विशिष्ट अतिथि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ उपस्थित रहे। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बहन अनीता चौधरी जी ने झांसी की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर जो कदम बढ़ाया है वह महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि बहन अनीता चौधरी ने एक साहसिक कदम उस दिशा में बढ़ाया है जिसमें अभी तक केवल पुरुषों का वर्चस्व रहा है और प्रथम महिला ऑटो चालक का गौरव झांसी महानगर में उन्होंने प्राप्त किया और संपूर्ण नारी शक्ति को उसका एहसास दिलाया। अपने अध्यक्षीय भाषण में यूथुब जैन पिंकी ने कहा कि बहन अनीता चौधरी ने साबित कर दिया कि उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और निर्भीकता को अपने जीवन में आत्मसात किया है और अपने परिवार को चलाने हेतु एक बड़ा कदम उठाया है। हम सब झांसी वासियों को उन पर गर्व है। उक्त अवसर पर इम्तियाज हुसैन, अखिलेश गुरुदेव, रवि दुबे, अब्दुल समद, संतोष महाराज, बालाजी मंडल, मुन्ना लाल, पूर्व अध्यक्ष बालाजी मंडल, फिरोज मलिक, नीता अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई यूथुब जैन और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, हमारे इम्तियाज हुसैन जी, अखिलेश गुरुदेव जी, युवराज सिंह, गिरजाशंकर राय जी, हमारी समाज सेविका मीना आर्या जी, प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी नीता अग्रवाल जी, राकेश अमरिया जी, हम सारे लोग आज हमारे रवि दुबे जी व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष यूथुब जैन के तत्वाधान में आए क्योंकि हमारी झांसी महिलाओं की शक्ति के नाम से जानी जाती है। ऐसे समय में जब सरकार की अव्यवस्थाओं के खिलाफ कोरोना की महामारी में परिवार टूट रहे थे, कहीं से कोई आय का जरिया नहीं दिख रहा था, कहीं से कोई कार्य नहीं दिया गया था, ऐसे समय में झांसी की रानी बनके हमारी बहन अनीता ने आगे बढ़ने का काम किया। ऐसा आज क्या कार्यक्रम किया है आपने? आज हमारे कांग्रेस व्यापार मंडल के संयोजन में हमारी झांसी के तालपुरा में अनीता दीदी के यहाँ आकर उनका सम्मान किया गया क्योंकि आज उन्होंने अपने घर को कोरोना काल में अपने घर को चलाने के लिए एक ऐसा साहसिक काम कदम उठाया है। उन्होंने ऑटो चलाने का काम किया है जिसके लिए महिला सोच ही नहीं सकती है और उन्होंने अपने घर परिवार को चलाने के लिए ऑटो चलाने का काम किया है और निर्भीकता से वो ये कार्य कर रही हैं। तो जब हम लोगों को पता चला कि झांसी की नगरी में झांसी रानी के प्रतिनिधित्व के तौर पे वो संदेश दे रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और आज हम सारे लोग आए, हमारे अध्यक्ष जी अरविंद वशिष्ठ जी, नीता भाभी जी, मीना आर्या जी, जितेंद्र भदौरिया जी, सारे लोग हमारे जो है सम्मान करने आए उनका। अनीता जी, क्या महसूस हो रहा है आज आपको? काम करते समय हर महिला को ऐसा ही करना चाहिए। सरकार जो कर रही है, लॉकडाउन में हमने अपना घर चलाया, बच्चों को पालन पोषण करा, इतनी परिस्थिति खराब ना होती तो ऑटो ना चलाया। क्या सरकार ने कोई मदद नहीं की आपको? कोई मदद नहीं की। तो कांग्रेस ने आपको सम्मान किया है, आपको कैसा महसूस दे रहा है? अच्छा लग रहा है।